Assalamu alaikum viewers, welcome to the channel MA English Literature. Today in this video we are going to discuss themes in Don Quixote. Okay, aaj ki is video mein hum log kya discuss karenge? Themes in Don Quixote. Theek hai, to jo major themes hai hamari is video ki, theek hai, jo is novel ki, wo kya hai hamari जो मेजर थीम्स हमें नज़र आते हैं वो क्या है? रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, मैडनेस एंड सैनिटी, इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सेल्फ इन्वेंशन, क्लास आइडेंटिटी एंड सोशल चेंज, ऑनर एंड वर्चू, लव. ठीक है, दीज आर द मेजर थीम्स वी फाउंड इन द नॉवल डॉन क्विक्सोटे. ठीक है, दैट इज रिटन बाई सर्वेंटस. द फर्स्ट पार्ट इज इन 1605. ठीक है, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट थीम को इसको डिस्कस कर रहे हैं नॉवल के अंदर जो है वो हमें मिलती है रियलिज्म एंड आइडियलिज्म. ठीक है, सबसे पहले हमें रियलिज्म का पता होना चाहिए एंड आइडियलिज्म का पता होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम देखें, फिलोसफिकल आइडियलिज्म होल्ड्स दैट द रियलिटी इज प्राइमरली अ सेट ऑफ आइडियाज. Private mental constructs, political idealisms hold that the ideals can meaningfully transform the human world. ठीक है, simply अगर हम idealism को देखें तो idealism एक ऐसी world या एक ऐसी situation है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को ideal बना के present करें. Ideals mean the way you are seeing the things. ठीक है, जैसे आप लोग चीज़ों को देखते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि वो चीज़ें वैसी हों, उसको उसी way के अंदर present करना, वो आपकी एक आइडियलिज्म होती है. ठीक है, आप अपने माइंड में कुछ भी पिक्चर्स बना लें, ठीक है, आप अपने माइंड को किसी भी तरीके से सेटअप कर लें और फिर उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करना, उसी तरीके से लाइफ को देखना, तो वो एक आइडियलिज्म बेस्ड होती है. ठीक है, तो इस नॉवल के अंदर जो हमारा करेक्टर है डॉन क्विक्सोटे, द मैन हीरो ऑफ द नॉवल, ठीक है, मैन करेक्टर इस नॉवल का, वो उसकी लाइफ कहती थी कैसी थी? आइडियलिज्म बेस्ड लाइफ थी. ठीक है, वो अपनी लाइफ को जिस तरीके से अपने माइंड के अंदर कंस्ट्रक्ट करता था, अपने माइंड के अंदर देखता था, सेम उसी वे में उसको अपनी जो रियल लाइफ जो थी उसको उसी वे में नज़र आती थी. ठीक है, तो वो एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहा था, वो रियलिटी वर्ल्ड में नहीं रह रहा था, बल्कि वो आइडियल वर्ल्ड में रह रहा था, एक ऐसी वर्ल्ड जो वो खुद उसने अपने वजूद दी थी. ठीक है, जो जिसमें जो उसने खुद बनाई हुई थी. ठीक है, जो उसका माइंड उसको कंस्ट्रक्ट कर जा रहा था. ठीक है, रियलिज्म क्या है? फिलोसफिकल रियलिज्म होल्ड दैट द रियलिटी इज प्राइमरीली मटीरियल. ठीक है, तो रियलिज्म में हम देखते हैं कि जो रियलिटी है वो एक प्राइमरीली मटीरियल होता है. ठीक है, मीन्स द बेसिस, द फर्स्ट बेस क्या होती है? उसकी रियलिटी होती है. ठीक है, जिस तरीके से जो चीज़ जैसी है उसको उसी वे में देखना, उसको उसी वे में फील करना. ठीक है, तो जो इस टाइप के जो थिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उसको हम रियलिज्म कहते हैं. ठीक है, डॉन क्विक्सोटे रिटन बाय सर्वेंटस एक्सप्लेन द आइडियलिज्म एंड रियलिज्म. ठीक है, अब नॉवल के अंदर जो कि सर्वेंटस ने लिखा है, डॉन क्विक्सोटे रिटन बाय सर्वेंटस, उन्होंने क्या किया है नॉवल के अंदर आइडियलिज्म एंड रियलिज्म को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो जो स्टोरी है अगर हम उसको देखेंगे और फिर उस हिसाब से अपने करेक्टर्स को देखेंगे, देन हम अपनी थीम्स को देखेंगे आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, तो दैट आर मच कनेक्टेड. ठीक है, डॉन क्विक्सोटे इज द अल्टीमेट आइडियलिस्ट, सैंचो पैंजो अ रियलिस्ट बाय नेचर. अब डॉन क्विक्सोटे हमें पता है कि मेन करेक्टर है ना स्टोरी का. ठीक है, तो वो हमारा एक आइडियलिस्ट पर्सन है, आइडियलिस्टिक पर्सन है. ठीक है, तो वो अपनी लाइफ को एज अ आइडियल लाइफ देखता है. ठीक है, जिस तरीके से वो फील करता है, जिस तरीके से उसको नजर आती है, उसको भी सेम उसी वे में अपनी लाइफ को स्पेंड करता है. सैंचो पैंजो कौन है? सैंचो पैंजो जो डॉन क्विक्सोटे है उसका स्क्वायर है. ठीक है, डॉन क्विक्सोटे एक नाइट बनना चाहता है. ठीक है, वो एक नाइट वो एडवेंचरस पे निकला है, और वो उसका जो वजीर है वो कौन है? सैंचो पैंजो. ठीक है, तो ये भी एक मिडिल क्लास पर्सन है, लेकिन वो आइडियलिस्ट नहीं है लाइक डॉन क्विक्सोटे. वो क्या है? एक रियलिस्टिक है. ठीक है, वो चीज़ों को जैसा है वर्ल्ड के अंदर उसी वे में उसको देखता है. ठीक है, डॉन क्विक्सोटे एज एन आइडियलिस्ट, अगर हम डॉन क्विक्सोटे को एज एन आइडियलिस्ट देखें, तो फिर हम अगर स्टोरी के अंदर उसको देखें कि किस तरीके से डॉन क्विक्सोटे आइडियलिस्टिक पर्सन है, तो हम देखते हैं, तो डॉन क्विक्सोटे'स जर्नीज एज अ नाइट एरेंट सर्वेंटस शो हाउ दोज हु आर आइडियलिस्ट और ड्रीमर्स आर एबल टू क्रिएट देयर परफेक्ट वर्ल्ड. ठीक है, तो सर्वेंटस ने बाय द हेल्प ऑफ द करेक्टर डॉन क्विक्सोटे, ठीक है, उसके जर्नी से, जो कि डॉन क्विक्सोटे क्या बनना चाहता था? एक नाइट. ठीक है, तो उसका जो जर्नी था एज अ नाइट, ठीक है, उसके थ्रू उस डॉन सर्वेंटस ने क्या शुरू किया? तो ऐसे लोग
जो कि ड्रीमर्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, तो वो अपनी एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर लिव करते हैं. तो डॉन कैटे ने भी इसी तरीके से एज अ ड्रीमर एंड एन आइडियलिस्ट अपनी एक वर्ल्ड क्रिएट की थी, एक परफेक्ट वर्ल्ड, और उसके अंदर वो रह रहा था, ठीक है. क्वेटे इज अ विजनरी इन 16th सेंचुरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनेसा. तो कैटे जो एक आइडियलिस्ट था, ठीक है, वो अपने वर्ल्ड को विजन करके जिस तरीके से देखता था, वो कौन सी सेंचुरी में रहता था. अगर हम देखें जो हमारा नॉवेल है वो 16th सेंचुरी एट द टाइम ऑफ रेनेसा में लिखा गया, ठीक है. तो उसी उस टाइम पीरियड में कैटे एक ऐसा करेक्टर था जो कि अपने वर्ल्ड लाइफ को एज एन आइडियलिस्टिक देखता था, ठीक है. ही सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ हिज आइडियल्स, ठीक है. वो अपने वर्ल्ड को किस तरीके से देखता था, थ्रू द लेंस ऑफ हिज आइडियल्स, जो कि उसके आइडियल्स थे उसी वे से उनको देखता था, रादर देन सेटल फॉर द मंडान रियलिटी ऑफ कंट्री लाइफ, ठीक है. ना कि वो सिर्फ जो एक उसकी जो पूरी रियलिटी थी लाइफ की उससे बिल्कुल अलग हो गया था वो, ठीक है. वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वो उन चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को उसने अलग कर लिया था, ठीक है. तो जिस वर्ल्ड के अंदर, जिस टाइम पीरियड के अंदर वो रह रहा था, असल में वो टाइम पीरियड उसके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है. वो सिर्फ एक ऐसे वर्ल्ड में, उसको हर चीज़ वैसी नज़र आ रही थी जैसा उसका माइंड उसका सेटअप कर रहा था, ठीक है. तो वो अपने वर्ल्ड को किस वजह से देख रहा था, एज एन आइडियलिस्टिक पर्सन देख रहा था. अगर हम में देखें तो जो डॉन कैट है वो नाइट बनना चाहता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है स्टोरी से, नाइट्स की स्टोरी से, शिवाल्रिक की स्टोरी से. एंड वो इतना प्रीऑक्यूपाइड हो गया उन चीज़ों से या फिर ऑब्सेस्ड हो गया है कि इतना उनसे इम्प्रेस्ड हो गया है कि अब वो जो है एक बिल्कुल वो सारे करेक्टर जो कि नाइट्स की स्टोरीज में हैं उनको लेकर उनकी तरह बनना चाहता है, ठीक है. उनकी तरह ब्रेव, उनकी तरह करजियस, उनकी तरह ऑनरेबल, ये तमाम चीज़ें वो डॉन कैटे बनना चाहता है, ठीक है. तो एक कंट्री लाइफ में रहते हुए वो एक ऐसा पर्सन बन रहा था जो कि पिछले टाइम में कुछ जो फेमस स्टोरीज थी उनके कैरेक्टर्स की तरह, ठीक है. पर वो स्टोरीज क्या थी, अगर हम नाइट्स स्टोरीज देखें तो वो बिल्कुल भी रियलिटी बेस्ड नहीं है, ठीक है. वो उसमें क्या करते थे, राइटर कैरेक्टर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको एग्जैजरेट करके बताते थे, लेकिन ऐसा नाइट्स में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है. ऐसा बिल्कुल नाइट्स बिल्कुल भी ऐसे हो ही नहीं सकते कि वो ड्रैगन से फाइट कर रहे हैं, वो जायंट से फाइट कर रहे हैं. ये सब चीज़ें एक स्टोरी बेस्ड हैं, ठीक है. एक ऐसे जो उसमें भी क्या कर रहे हैं, जो राइटर्स थे उन स्टोरीज के, वो भी एक आइडियलिस्टिक लाइफ को लेकर अपनी स्टोरी के अंदर एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है. तो सर्वेंटस ने इन द 16th सेंचुरी उसने ये एक्सप्लेन किया, उसने पैरोडी की उन स्टोरीज के ऊपर बाय द हेल्प ऑफ डॉन कैटे कि वो कितना इंस्पायर्ड हो गया और फिर वो एक नाइट बनना चाह रहा है. और नाइट दरअसल असल में है क्या, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है. वो उनकी तरह एक्ट कर रहा है लेकिन बिल्कुल उसको उसके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल एब्सर्ड एक्शन है, ठीक है. वो एक पागल समझा जा रहा है, पागल इंसान, वो एक इंसेन समझा जा रहा है, ठीक है. उसका हर एक्शन एब्सर्डिटी बेस्ड एक्शन है. तो इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल अलग था, ठीक है. डॉन कैटे इमर्सेस हिमसेल्फ इन बुक ऑफ शिवाल्री, एडमायरिंग द कोड ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी दे डिस्क्राइब, ठीक है. तो डॉन कैटे जो कि नॉवेल के अंदर उसने अपने आप को किस तरीके से इमर्स किया, इन बुक ऑफ शिवाल्री, एडमायरिंग द कोड ऑफ ऑनर, ब्रेवरी दे डिस्क्राइब, ठीक है. जो बुक्स थी शिवाल्री की बुक्स थी, मीन्स नाइट की बुक्स जो थी, उसमें क्या डिस्कस हुआ होता ज़्यादातर, बिकॉज नाइट्स क्या, जो नाइट्स से कनेक्टेड थे वो क्या थे, ऑनर एंड ब्रेवरी, ठीक है. तो जिस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया गया था उन शिवाल्री बुक्स के अंदर, तो डॉन कैटे ने भी अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट किया लाइफ के अंदर, ठीक है. वो अपने आप को भी उसी तरीके से उसने स्पेंड किया लाइफ को, ठीक है. ही बिकम्स सो प्रीऑक्यूपाइड विद द आइडियाज द करेक्टर एम्बॉडी दैट ही नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज एंड हिज होम इन फेवर ऑफ कंटेम्पलेटिंग एंड डिस्कसिंग शिवाल्री, ठीक है. तो अब उसने क्या किया, वो इतना ज़्यादा उनसे प्रीऑक्यूपाइड या इतना ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हो गया था, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था उन स्टोरीज के थ्रू, उन नाइट स्टोरीज के थ्रू, कि उसने जो अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ थी, ठीक है, उसको भी उसने नेग्लेक्ट कर दिया था, ठीक है. उनको रिजेक्ट कर दिया था उस लाइफ को, ठीक है. और किसको अडॉप्ट किया उसने, शिवाल्री को, ठीक है. उसने किसको अडॉप्ट किया, ऑनर को. उसने किसको अडॉप्ट किया, ब्रेवरी को, ठीक है. वो एक नाइट बनना चाहता था और उसने जिस तरीके से स्टोरीज के अंदर नाइट्स को बताया गया है सेम उसी वे में वो अपनी लाइफ को अब स्पेंड करना चाहता था, ठीक है.
दिस फैसिनेशन लीड्स हिम टू रिजेक्ट द रियलिटी. अब दिस फैसिनेशन मीन्स द नाइट्स स्टोरीज, ठीक है. वो उसे कहाँ ले गए, उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट द रियलिटी, ठीक है. अब उसको बिल्कुल अलग कर दिया रियलिटी से, ठीक है. अब वो एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहा है, ना कि वो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में. ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑर्डिनरी स्पेनिश लैंड होल्डर, ठीक है. रियलिटी में वो क्या है, एक स्पेनिश लैंड होल्डर है, ठीक है, ऑर्डिनरी मैन है. लेकिन अब एक आइडियल वर्ल्ड में वो क्या है, वो एक नाइट है, ठीक है. बहुत ब्रेव एंड बहुत करेजियस एंड बहुत ऑनरेबल पर्सन है वो, ठीक है. और एक नाइट है और उस अपने एडवेंचर्स पे निकला हुआ है, ठीक है. तो जो उसकी जो रियल लाइफ थी, उसने अपने उन स्टोरीज के थ्रू उनको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया था. उसे पता ही नहीं था कि वो अब किस टाइम में उस किस पीरियड में रहा, ठीक है. अब वो सिर्फ वो जानता था वो ये था कि वो एक नाइट है और उसने अब एडवेंचर्स पे निकलना है, और उसने क्या करना है, सेव करना है वर्ल्ड को, जो उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुरी हैं, जैसे नाइट्स की जो ड्यूटीज हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है. एंड टू परसीव हिमसेल्फ एज द आइडियल नाइट, ठीक है. अब क्या करना चाह रहा है, वो एक आइडियल नाइट बनना चाह रहा है, ठीक है. चैम्पियन जस्टिस इन अ ट्रबल्ड वर्ल्ड, ठीक है. तो अब वो क्या करना चाह रहा है कि जो उस वर्ल्ड के अंदर जो भी इनजस्टिस हैं, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ नाइट वो उन सबको ख़त्म करना चाहता है, ठीक है. The next day he construct a moral code built around unrealistic expectation in the outdated beliefs, okay. Then he fully immerses himself in a fantasy world that soon become his reality. अब उसने जो अपनी लाइफ को किस तरीके से बिल्ड किया, उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे, ठीक है. अब अनरियलिस्टिक हमें पता है नाइट स्टोरीज क्या है, अनरियल थिंग है, ठीक है. वो उसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक आइडियलिज्म की एग्जैजुरेशन की हुई राइटर्स ने, सिर्फ वो एक कहानी है, ठीक है. लेकिन अब ये इतना ज़्यादा उनसे ऑब्सेस्ड हो चुका है, इतना ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हो गया उन स्टोरीज से, कि अब अपनी उसने जो लाइफ है वो उन कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे बेस्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है. अब वो अनरियलिस्टिक चीज़ों से उसने अपने आप को, अपनी जो पर्सनल लाइफ थी उसको कंस्ट्रक्ट किया है, और आउटडेटेड बिलीव्स, ठीक है, वो जो स्टोरीज में डिस्कस हुए हैं, ठीक है. और फिर अब वो उस ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है जो कि वही उसकी अब रियलिटी बन गई, ठीक है. ना कि अब जो वो रियल लाइफ थी उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन अब जो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है और उसे लगता है कि यही मेरी रियलिटी है, ठीक है. बिकॉज वो अब बिल्कुल उसी वर्ल्ड के अंदर उसको एक जैसे वो स्टोरीज के अंदर लाइफ को देखता है नाइट्स की, बिल्कुल उसे सेम अपनी लाइफ भी उसी जैसी लग गई, ठीक है. ही टर्न्स अ रेगुलर पीजेंट वुमन इनटू अ वर्चुअस ब्यूटीफुल मैडन वर्दी ऑफ बीइंग अ नाइट लेडी, ठीक है. अब उसने क्या किया था, जब वो डॉन क्याटे एक उसने कहा कि अब मुझे नाइट बनना चाहिए, ठीक है, मैं एक नाइट हूँ, और फिर उसने वो एडवेंचर्स पे निकल रहा था और उसने कहा कि नाइट के लिए एक लवर भी होनी चाहिए, लेडी लवर, ठीक है. तो उसने एक प्रेजेंट वुमेन जिसके बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, उसने उसको एक बहुत एक वर्चुअस लेडी एंड ब्यूटीफुल मैडन उसको बनाया, ठीक है, अपनी आइडियल वर्ल्ड के अंदर ही, ठीक है. और वो एक नाइट्स की लेडी लव लेडी बनने के लिए, ठीक है, कि वो अब जो नाइट की जो लेडी है, मीन्स अगर हम कहें डॉन कैटे की जो लेडी है वो कौन है, वो उसने एक प्रेजेंट वुमेन को एक ब्यूटीफुल मैडन बनाया था, ठीक है, अपने आइडियल वर्ल्ड के अंदर. एंड ही सीज कासल्स इन द फ्रेमवर्क ऑफ हम्बल कंट्री इंस, ठीक है. और उस कंट्री के अंदर जो इंस थे, ठीक है, जो सराय खाने थे, उनको वो क्या समझ रहा था कि ये कासल्स हैं, ठीक है. उसको आइडियल वर्ल्ड में वो सब क्या नजर आ रहे थे, कासल्स नजर आ रहे थे, ठीक है. व्हेन थिंग्स डोंट टर्न आउट एक्सपेक्टेड, ठीक है. और ही ब्लेम्स इट ऑन अनसीन मैजिशियंस एंड देयर एन्चेंटमेंट, ठीक है. अब क्या होता कि हमें पता है कि वो बिल्कुल एक चेंज डेरा में रह रहा है, ठीक है, एक ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पे इन चीज़ों का कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है. वो एक रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग रह रहे हैं, एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर रह रहा है. तो अब वो पर बिहेव किसकी तरह कर रहा है, वो उन स्टोरीज में जो नाइट्स कैरेक्टर थे उनकी तरह बिहेव कर रहा है, और अपने उनके जो एक्शन है उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है. तो अब क्या होता था, उसको जो भी जिस एडवेंचर पे वो निकला, हमने स्टोरी में देखा कि जिस भी एडवेंचर पे वो निकला आखिर में क्या होता था, उसको वो मारा जाता था, बहुत बुरी तरीके से पिट जाता था बेचारा, ठीक है. तो फिर क्या होता था, अब जब नाइट्स की क्या ड्यूटीज होती है कि वो हमेशा जो है
फाइट्स को विन करके आते हैं, ठीक है। लेकिन अब इधर क्या हो रहा था कि वो बार बार हार रहा था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, चेंज हो रही थी चीजें, चेंज जो चीजें थी वो चेंज होती जा रही थी, ठीक है। जैसा वो करना चाहता था उसके बिल्कुल उलट हो रहा था, ठीक है। तो फिर वो किसको ब्लेम्स करता था, अनसीन मैजिशन से पे वो, ठीक है। कि ये किसकी वजह से हो रहे हैं, कि ये उन मैजिशंस की वजह से हो रहे हैं जो कि अनसीन है, ठीक है, उनकी इंजेंटमेंट की वजह से हो रहे हैं, और हर काम उसका बेचारे का अलर्ट हो रहा है, ठीक है। डॉन कहते हैं आइडियलिस्टिक नेचर कीप हिम अवे, कीप हिम हैप्पी इवन व्हेन सिचुएशंस आर लेस देन डिजायरेबल, सच एज व्हेन ही एंड सांचो पैंसा आर फोर्स टू स्लीप अंडर द स्टार्स। एवरी टाइम दिस हैपेंड टू हिम ही थॉट हिमसेल्फ मोर कंक्लूसिवली अ ट्रू नाइट, ठीक है। अब जो डॉन कहते हैं एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, वो उस रियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल अलग एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, अपनी एक उसने वर्ल्ड बनाई हुई, उसके लाइफ उसके अंदर रह रहा है, ठीक है। तो हर चीज उसको जैसी पसंद है उसने अपने वर्ल्ड के अंदर वैसे ही रखी हुई है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ज्यादातर जो डॉन कहते हैं वो अपने आइडियलिस्टिक नेचर में, अपने आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में हैप्पी रहता था, इवन जब ये जो सिचुएशंस होती थी वो इतनी ज़्यादा सही नहीं होती थी, ठीक है। जब चीज़ें मुश्किल हो जाती थी, हर चीज़ उनको हमें इतना नज़र नहीं आती थी कि वो डॉन कैटे के लिए सही हैं या नहीं, ठीक है। वो पर उसके लिए वो हर चीज़ मुश्किल होती जा रही थी, ठीक है। और फिर हमें आगे क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, कि जैसे सांचो पैंसा और वो जब स्टार्स के नीचे खुले आसमान तले देखते थे, तो फिर वो अपने आइडियल वर्ल्ड के अंदर क्या सोचता रहता था कि वो एक ट्रू नाइट है, ठीक है, कि वो अपने फाइट्स, अपने एडवेंचर्स, अपने उन ड्रीम्स के अंदर, उन आइडियल वर्ल्ड के अंदर देखता रहता था, ठीक है। तो फिर वो उस हिसाब से वो हैप्पी रहता था, ठीक है। तो एक आइडियलिस्टिक पर्सन डॉन कहते था, ठीक है, वो अपनी एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहा है, वो नाइट कुछ नहीं है, ठीक है, वो एक ओल्ड मैन है, ओल्ड एजिड मैन है, लेकिन वो एक नाइट बना हुआ है, एक ब्रेव एंड करेजियस पर्सन। वो जिस तरीके से एक्शन, उसके जो भी एक्शन है, जो भी उसके जिस तरीके से भी वो बिहेव कर रहा है, वो बिल्कुल उससे क्या लग रहा है, एक मैड पर्सन लग रहा है, ठीक है। और उसकी जब चीज़ें आउट हो जाती थी, ठीक है, जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहा था उस जैसी नहीं हो रही थी, तो फिर वो किसको ब्लेम करता था, अनसीन मैजिशंस को, ठीक है। तो वो अपनी एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहा है, ठीक है। तो जो डॉन कहते हैं वो एक आइडियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है। सांचो पैंसा एज अ रियलिस्ट, अब सांचो पैंसा क्या है, एक रियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है। सांचो पैंसा आर रियलिस्ट बाय नेचर, सांचो पैंसा सी थिंग्स एज दे आर, ठीक है। अब सांचो पैंसा जैसे चीज़ें थी उनको वैसे ही देखता था, लेकिन अगर हम डॉन क्योटे को देखें तो उसके बरक्स वो बिल्कुल चीज़ों को डिफरेंटली देखता था, ठीक है। वो उस टाइम अपने आइडियल वर्ल्ड में उस टाइम पीरियड के अंदर था ही नहीं, जैसे टाइम पीरियड के अंदर वो रियल लाइफ में रह रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जो टाइम वहाँ पर चल रहा है, रियल लाइफ में चीज़ें डिवेलप्ड हो चुकी हैं, लेकिन जो डॉन कहते हैं वो अपने एक उस आइडियल वर्ल्ड में, जो नाइट स्टोरीज में जिस तरीके से जो भी वर्ल्ड दिखाई गई है, अपने वर्ल्ड को उस वे से देख रहा है, ठीक है। तो एक वो आइडियल वर्ल्ड में देख के चीज़ों को देख रहा है, और सांचो पैंसा बिल्कुल एक रियलिस्टिक पर्सन है, तो वो चीज़ों को जैसा है उसे वैसे ही कर रहा है नज़र, ठीक है, उसको वैसे ही नज़र आ रही है, नॉर द वे दे शुड बी, ठीक है। एंड अनलाइक हिज मास्टर ही डजंट सी जायंट्स विद वेयर विंडमिल्स स्टैंड, ठीक है। अब डॉन कहते क्या करता है कि उन चीज़ों को किस तरीके से देखता है कि वो कैसी हैं, कैसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सांचो पैंसा बिल्कुल एक रियलिस्टिक वे में रहते हुए उन चीज़ों को देख रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि चीज़ों को इस तरीके से होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए, नहीं, वो बिल्कुल एक रियलिस्टिक पर्सन होकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और उसके फिर हमें आगे एग्जाम्पल दी हुई है कि जब वो एडवेंचर्स पर निकलते हैं तो वो जो विंडमिल्स होती हैं, वो डॉन कहते को क्या नज़र आ रही होती हैं, वो एक ग्रेट जायंट्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, कि वो एक नाइट है और सामने बहुत ज़्यादा जायंट्स मौजूद हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो हॉस्टल में होते क्या हैं, वो विंड मिल्स होती हैं, जो कि सांचो पैंसा को विंड मिल्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। लेकिन डॉन कहते जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विद द स्टोरीज ऑफ नाइट,
तो फिर उसको जो बड़ी चीजें जो हैं वो उसको जायंट्स ही नजर आ रही थी, ठीक है, बिकॉज स्टोरीज में क्या होता है कि बड़े जो चीजें होती हैं वो जायंट्स होते हैं, ठीक है, और उनसे नाइट्स लड़ते हैं. तो डाउन कैटे को भी वो विंडमिल्स क्या लग रही थी कि वो जायंट्स हैं जिनसे उनको लड़ना है, ठीक है. हिज हैप्पीनेस डिपेंडिंग ऑन द मीटिंग ऑन द बेसिक नीड्स. अब उसकी हैप्पीनेस किस पर डिपेंड करती है? लाइफ की बेसिक नीड्स पर, ठीक है. और डॉन कैटे की हैप्पीनेस किस पर डिपेंड करती है? कि वो एक नाइट की तरह रह सके, ठीक है, उसको वो ब्रेव होता रहे, ठीक है, वो फतुहात हासिल करता रहे, ठीक है, ये उस वो उसको हैप्पीनेस देते हैं कि वो एक अपने आप को आइडियलिज्म वर्ल्ड में रहते हुए अपने आप को एक नाइट का तरह सोचता रहे, तो उससे उसको खुशी मिलती है. लेकिन एज अ रियलिस्टिक पर्सन जो रियल हैप्पीनेस है वो क्या है कि बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं. बेसिक नीड्स कौन सी हैं? फुल स्टमक, कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, ठीक है, इजी जर्नी, ठीक है, हर चीज़ जो है एक आराम से जो है मुकम्मल हो जाए, ठीक है, जैसे एक फुल स्टमक, कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये बेसिक नीड्स है इंसान की. और एक इंसान अपने लाइफ को इन्हीं चीज़ों के लिए ने स्पेंड करता है, ठीक है, वो कमाता है, ठीक है, किसके लिए? अपने पेट को भरने के लिए. उसके पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो पुरसकून होकर सो सके, उसका जो रास्ता है वो आसान हो जाए. तो फिर जो सैंचो पैंजा अपनी लाइफ को भी इसी वे से देखता है, ठीक है, एज अ रियलिस्टिक पर्सन देखता है, और उसकी हैप्पीनेस जो है एज अ रियलिस्टिक हैप्पीनेस है, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ को एक ईजी लाइफ चाहता है. सैंचो पैंजा नोज हिज ओन फिजिकल लिमिटेशंस, ठीक है, उस सैंचो पैंजा को अपनी फिजिकल लिमिटेशंस का भी पता है, ठीक है, बिकॉज वो एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, डॉन कैटे भी एक सिंगल मैन है, और फिर उनको पता है कि वो फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं. अब अगर हम नाइट्स स्टोरीज में देखें तो नाइट्स को कितने एग्जेजरेट करके उनके फिजिकल लिमिटेशंस बताई गई हैं, ठीक है, कि वो बहुत सारे जो जितने भी उनके सामने आ जाएं वो उन सबको मार देते हैं, ठीक है. लेकिन अब रियल लाइफ में रहते हुए एक इंसान काफी सारे लोगों को अकेला नहीं मार सकता, ठीक है. तो डॉन सैंचो पैंजा को अपनी लिमिट फिजिकल लिमिटेशंस का पता था. व्हेन दे आर सराउंडेड बाय एंग्री म्यूल हर्ड, ठीक है, अब डॉन कैटे एंड सैंचो पैंजा जब एडवेंचर पे होते हैं तो उनको घेर लिया जाता है एंग्री म्यूल हर्ड से, ठीक है, जो पच्चर चलाने वाले जो रेवड़ होता है उन वो जो उनको घेर लेते हैं, ठीक है. सैंचो पैंजा पॉइंट आउट टू मैन कैन नॉट टेक ऑन अ ग्रुप ऑफ 20, ठीक है. अब वो कितने लोग होते हैं जो उन्हें घेर लेते हैं? वो 20 लोग होते हैं, ठीक है, और ये दोनों कितने होते हैं, ठीक है, एक सैंचो पैंजा और एक डॉन कैटे, ठीक है. तो अब सैंचो पैंजा को पता है कि वो इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो इन 20 लोगों से लड़ सकें, ठीक है. That reasoning means nothing to Don Quixote, लेकिन ये रीजनिंग जो है डॉन कैटे के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी, बिकॉज डॉन कैटे अपने आप को क्या समझ रहा है? एक नाइट समझ रहा है, ठीक है. एंड वो क्या कहता है? Who says I'm worth 100, ठीक है, कि मैं 100 के बराबर हूँ, मैं जो जो जितने भी आ जाएं उन सबको मैं मार सकता हूँ, ठीक है. लेकिन होता क्या है? बोथ मैन एंडेड अप बीटिंग एंड बेटर, ठीक है, लेकिन उनको बहुत बुरी तरीके से, जब फाइट खत्म होती है तो बहुत बुरी तरीके से दोनों को मारा गया होता है, ठीक है, बिकॉज 20 लोग और दो बंदे जो फाइट हमने साफ नजर आती है कि वो कौन हारेगा, दोनों ही लोग हारेंगे, ठीक है, बिकॉज डॉन कैटे ना तो असल में एक नाइट है और ना ही वो इतना पावरफुल है कि वो उन लोगों से फाइट कर सके, ठीक है. लेकिन वो अपनी एक आइडियल वर्ल्ड में रहते हुए अपने आप को नाइट समझ रहा है, ठीक है, और फिर वो कहता है कि मैं 100 के इक्वल के मैं 100 लोग भी होंगे तो मैं उनको खत्म कर दूंगा आराम से, ठीक है. तो पर ये चीजें डॉन कैटे सैंचो पैंजा को पता थी, ठीक है, बिकॉज सैंचो पैंजा अपने लाइफ को एज अ रियलिस्टिक पर्सन स्पेंड कर रहे हैं. इन पैरेलल विद दिस फिलोसफिकल सिनेरियो, ठीक है, अब हमने जो ये फिलोसफिकल आइडियलिज्म, फिलोसफिकल रियलिज्म जो हमने देखा है, और डॉन कैटे एंड डॉन सैंचो पैंजा के इसमें सिचुएशंस में, ठीक है, कि हमने देखा डॉन कैटे एक आइडियलिस्टिक पर्सन है एंड सैंचो पैंजा एक रियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है.
अब नॉवेल किस पे बेस्ड है? द नॉवेल इंगेज विद द नोशन ऑफ लिटरेरी रियलिज्म, ठीक है? तो जो नॉवेल है वो बेस्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी रियलिज्म, ठीक है? द नॉवेल एज अ होल मॉक्स द एब्सर्डिटीज एरर्स एंड जनरल फेलियर्स ऑफ रियलिज्म इन शिवालरी नॉवेल्स. अब नॉवेल क्या करता है, वो बिल्कुल मोकरी करता है, ठीक है, किस पे? जो शिवालरी रियलिज्म जो बुक्स हैं, शिवालरी नायर्स की जो स्टोरीज हैं, उनके रियलिज्म के जो फेलियर हैं, जनरल फेलियर्स ऑफ रियलिज्म, उनके एरर्स, उनकी एब्सर्डिटीज, उनके जनरल फेलियर्स, उनको डिस्कस करता है, ठीक है. डॉन कहते अगर हम देखें तो सर्वेंटस ने एक जो ये स्टोरी लिखी है डॉन कैटे, ये किस बेस पे लिखी है, ठीक है? तो मींस जो नाइट स्टोरी थी जिनका रियलिस्टिक से कोई भी वैल्यू नहीं थी, ठीक है, रियलिस्टिक स्टोरीज थी ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग उस टाइम पे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे उनसे, ठीक है. लेकिन जिस तरीके से वक्त गुजरता गया, लोग जो है दूसरी तरफ मुतवजा होते गए, ठीक है, नई चीज़ें आती गई, लोग उनकी तरफ चलते गए, ठीक है. तो अब डॉन कैटे ने एक ऐसा सब्जेक्ट लिया, द सब्जेक्ट दैट इज नाइट स्टोरीज, ठीक है, फिर उसको उसने एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में रख के उस उन स्टोरीज को डिपिक्ट किया है, ठीक है. अब जो स्टोरीज में जो राइटर्स ने नाइट को जिस तरीके से एग्जैजरेट किया हुआ होता था, ठीक है, अपनी टेल्स को, तो अब इधर क्या था, एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए अगर बंदा, ठीक है, नाइट बने तो क्या होगा कि वो बिल्कुल उसके अपोजिट होगा, ठीक है. तो जो सर्वेंटस है उसने क्या किया है कि ये नॉवेल क्या करता है, उसकी जो शिवेलरी नॉवेल्स हैं उनके जो उनकी अब्सर्डिटीज को बताता है, उनके एरर्स को बताता है और उनके जनरल फेलियर्स को बताता है, ठीक है. बिकॉज इट प्रिमाइज एज अ करेक्टर हु ट्राइज टू लिव इन द वर्ल्ड एज दो द शिवेलरी नॉवेल्स वर परफेक्टली रियलिस्टिक, ठीक है. अब उसमें क्या करता है कि उसमें एक ऐसा करेक्टर है जो कि उस लिव वर्ल्ड के अंदर रहना चाह रहा है, ठीक है, जो समझ रहा है कि जो शिवेलरी नॉवेल्स में जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्टली डिजाइन हुई है, ठीक है, लेकिन एज अ रियल वर्ल्ड वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, ठीक है. क्योटे एंडलेस डिफिकल्टीज एंड ह्यूमिलिटेशन कैन बी ट्रस्ट ऑन द फेलियर ऑफ रियलिज्म इन शिवेलरी नॉवेल टेल्स, ठीक है. अब हम अगर देखें तो क्योटे बार बार जो है अपने बीटिन अप हो रहा था, ठीक है, हर एडवेंचर में वो जिसके साथ भी करता, वो जो भी एक्शन कर रहा, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था, उसको इतनी मुश्किलें आती जा रही थी उसके पास, ठीक है, उसको इतनी डिफिकल्टीज हो रही थी, इतनी ह्यूमिलिटेशन हो रही थी, इतनी बेइज्जती उसकी हो रही थी, लेकिन ये सब क्या चीज़ें शो कर रही हैं, ये फेलियर ऑफ रियलिज्म शो कर रही हैं इन द शिवेलरी टेल्स, ठीक है, जो कि पहले लिखी गई थी. बट थ्रू द नरेटर एक्नॉलेज दैट शिवेलरी टेल्स आर unrealistic and narrator जो कि सर्वेंटस है उनका पता है कि जो ये शिवेलरी टेल्स हैं वो अनरियलिस्टिक बेस्ड हैं, ठीक है, और इसी चीज़ पे उन्होंने मोकरी की है, ठीक है, उसके अब्सर्डिटीज, उनके एरर्स एंड जनरल फेलियर्स को डिस्कस किया है, ठीक है. द नेक्स्ट थीम इज मैडनेस एंड सैनिटी, ठीक है, जो नेक्स्ट थीम है वो क्या है, मैडनेस एंड सैनिटी. अब मैडनेस एंड सैनिटी के सेंस में अगर हम देखें तो ये भी किससे कंसर्न है, डॉन कैटे से. अब डॉन कैटे का अगर हम करेक्टर देखें वो क्या बनना चाहता है, एक नाइट बनना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके जो भी एक्शन है वो उसकी मैडनेस को शो कर रहा है. डॉन कैटे सीमिंगली मैड एंड ऑलवेज एरेंट नाइट, ही वॉज मूव्ड बाय द डीपेस्ट डिजायर ऑफ हिज सोल टू फाइट द इनजस्टिस ऑफ हिज वर्ल्ड ऑफ हिज टाइम, ठीक है. अब डॉन कैटे क्या नज़र आ रहा है, एक मैड पर्सन नज़र आ रहा है, बिकॉज वो एक नाइट बनना चाह रहा है और फिर वो अपनी अपनी लाइफ को किस वे से गुजार रहा है, वो अपनी उन जो उसकी डीपेस्ट डिज़ायर है उसकी सोल की, वो क्या है, उस अनजस्टिस को ख़त्म करना जो कि इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, ठीक है. तो पर वो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए वो किसको सहारा ले रहा है, वो उन नाइट्स का ले रहा है, ठीक है, उन नाइट्स की स्टोरीज को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है. तो फिर इस वजह से वो एक मेड पर्सन नजर आ रहा है स्टोरी में, ठीक है. तो वॉट ही डिड ऑलवेज फेल अपार्ट इन एब्सर्डिटी, हिज मोटिवेशन वर ऑलवेज गुड एंड नोबल, द क्वालिटी ऑफ हिज हार्ट ऑफ दैट ऑफ हिज सोल शाइन थ्रू द मैडनेस इन एवरी केस. अब क्या हो रहा है, वो जो भी काम करता है, जो भी उसके एक्शन होते थे, वो कन्वर्ट हो जाते थे एब्सर्डिटीज में, ठीक है. वो उसकी इंटेंशन गुड होती थी, वो अनजस्टिस को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जब उसका जो कंसिक्वेंसेस आते हैं, जो उसके रिजल्ट होते हैं, वो बिल्कुल
उलट हो जाते हैं, ठीक है, एब्जर्टिडी हो जाती है वो, और उसके जो बिल्कुल उसके एक मैडनेस को शो करता है, ठीक है. अब उसके जो हार्ट की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो क्या है, एक गुड क्वालिटी है, ठीक है. वो क्या करना चाहता है, वो उन वर्ल्ड के अंदर से उन तमाम इनजस्टिस को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है, दैट इज़ द गुड क्वालिटी, ठीक है. ये लेकिन उसका जो वे ऑफ डूइंग है एक्शन, ठीक है, वो क्या है, वो उन नर्स को नर्स की तरह बिहेव करके वो अपने उन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहा है, ठीक है. तो ये उसका एक रॉन्ग स्टेप है, ठीक है, गलत स्टेप है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें सब कर भी अच्छी चीज़ें करना चाह रहा है, लेकिन उसकी वो तमाम चीज़ें गलत होती जा रही है, ठीक है. वो सब कुछ बिल्कुल उलट होता जा रहा है, ठीक है. As we follow him and his esquire Sancho Panza on their nighty adventures, we know in our own hearts that Don Quixote really does see the injustice of the world. अब अगर हम जो सैंचो पैंजा और उसके स्क्वायर जो उसका स्क्वायर है डॉन क्याटे का, ठीक है, उसकी स्टोरीज को फॉलो करें कि वो जब नाइटली एडवेंचर्स पे निकले, तो हमें पता है कि वो जो डॉन क्याटे के हार्ट में था वो हम अच्छा ही करना चाहता था अपने वर्ल्ड के लिए, ठीक है, वो उस अनजस्टिस को ख़त्म करना चाहता था दुनिया से, एंड दैट हिज शिवालरी इज ट्रू, और इसकी जो ये शिवालरी थी ये भी ट्रू थी, ठीक है, मीन्स वो जो भी एक्शन करना चाहता था, जो भी उसकी डिज़ायर थी, वो बिल्कुल ट्रू डिज़ायर्स थी, ठीक है, उसमें कोई भी शक नहीं था कि वो सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता था, इवन इफ इट अपेयर्स टू बी स्लाइटली ऑफ द रियल ऑफ रियलिटी, ठीक है. लेकिन क्या होता था, वो बिल्कुल थोड़ा जो रियलिटी में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे बिल्कुल हटके था, ठीक है, वो जिस तरीके से अपेयर करता था, जिस तरीके से अपने एक्शंस को मूव ऑन कर रहा है, वो बिल्कुल उस रियलिटी से अलग था, ठीक है. ही इज़ इन हिज ओन आयरॉनिक सेट्रिकल वे वन ऑफ गॉड सेंट सेलिंग फोर्स टू किल द ड्रैगन्स. अब वो अपने आप को किस तरीके से सेट्रिकल वे में प्रेजेंट कर रहा है कि वो एक गॉड का सेंट है, ठीक है. बिकॉज अब ये लाइन क्यों कही गई है, बिकॉज वो एक ऐसा पर्सन है उस टाइम पीरियड के अंदर जिसमें वो जहाँ पे ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, ठीक है, थीके? लेकिन वो बंदा क्या करना चाह रहा है, वो उस अनजस्टिस को ख़त्म करना चाह रहा है दुनिया से, जो भी इविल्स उस मुख के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, थीके? लेकिन वो कौन सा वे अख्तियार कर रहा है, बिकॉज ऑफ नाइट स्टोरीज को लेके, नाइट्स बन के वो उन नाइट्स को नाइट्स के एक्शंस को फॉलो करके उन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहा है, तो फिर चीज़ें जो हैं एब्जर्टिटी में कन्वर्ट हो रही हैं. लेकिन उसके अगर हम हार्ट से उसको देखें, उसके हार्ट से जज करें, तो वह एक गुड पर्सन है, ठीक है. तो फिर इसको हमने क्या कहा हुआ है कि वो एक वन ऑफ गॉड सेंट है, ठीक है, सेलिंग फोर्स टू किल द ड्रैगन्स, जो कि क्या कर रहा है, उन ड्रैगन्स को ख़त्म कर रहा है. अब ड्रैगन्स किस चीज़ को, इविलनेस को शो कर रहे हैं, ठीक है, दैट ऑफन फॉल विलफुली अपॉन द इनोसेंट एंड द वीक, ठीक है, जो कि जो इविल्स पर जो इविलनेस है, जो ड्रैगन्स हैं वो किसके ऊपर जो ज़्यादातर किसके लिए ये हो रहा है, बिकॉज जो जो इनोसेंट हैं, जो कि वीक पर्सन है, ठीक है, उनकी मदद करना चाह रहा है, वो उस इविलनेस को ख़त्म करना चाह रहा है, ठीक है. Quixote is considered insane because he sees in his imagination what he didn't see and what he didn't exist, ठीक है. अब Quixote को पागल क्यों समझा जाता है, बिकॉज वो अपनी इमेजिनेशन में उन चीज़ों को देख रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, वो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं, एज आइडियल वर्ल्ड में रहते हो उसको वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं जो असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है. ही हैज़ अ सेट ऑफ शिवालरी थीम्ड हेलुसिनेशंस, ठीक है, हेलुसिनेशंस. अब उसको शिवालरी थीम्ड हेलुसिनेशंस नज़र आती हैं, ठीक है, वो विजन्स उसको नज़र आते हैं, इल्यूजन उसको नज़र आते हैं कि वो मैं नाइट हूँ और कि मैं एडवेंचर्स पे निकला हूँ और मैं फिर इनजस्टिस को ख़त्म कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसको शिवालरी लाइक सेट ऑफ थीम्स उसको नज़र आती हैं, ठीक है. Quixote's madness is ambiguous and paradoxical because both and doesn't see. He see the giants in his imagination, but he doesn't hallucinate giants in the world outside. ठीक है. अब जो Quixote की जो madness और किस तरीके से शो हो रही है कि वो जब windmills को जो है एक जो अपनी imaginations के अंदर क्या देख रहा है, वो एक great giants देख रहा है, ठीक है, लेकिन वो उस outside world में उसको hallucinate नहीं कर पा रहा उन giants को, ठीक है, लेकिन उसके जो ideal world है उसमें ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, और फिर अपने आप को उन्हीं actions के थ्रू वो
मूव कर रहा है, ठीक है, अपने इमेजिनेशन में देख रहा है कि वो जायंट्स हैं, और फिर वो उनसे फाइट करने के लिए उन विंड मिल्स के ऊपर चढ़ जाता है, उनको मार रहा होता है, ठीक है। तो फिर उसके वो सब अगर हम सिनेरियो देखें कि वो विंड मिल पर चढ़ा हुआ है और उसको स्टिक से या फिर वो अपने जो उसके नाइफ है उससे मारे जा रहा है, तो फिर वो एक मैड पर्सन ही लगेगा, ठीक है। हिज मैडनेस कंसिस्ट इन हिज ट्रस्टिंग हिज इमेजिनेशन ओवर हिज परसेप्शन, ठीक है। तो अब उसकी जो मैडनेस थी वो किस पे कंस्ट्रक्ट कर रही है, किस पे कंसिस्ट है, उसकी इमेजिनेशन पे, ठीक है। बिकॉज उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने इमेजिनेशन को पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है, ओवर हिज परसेप्शन, जो ठीक है वो उन अपनी वो जो परसेप्शन है उससे ज़्यादा वो किस पे अपनी इमेजिनेशन को ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड हिज इमेजिनेशन इज कैप्टिवेटेड बाय द वैल्यू ऑफ शिवेलरी बुक्स, और उसकी जो इमेजिनेशन है वो किसकी कैदी बनी हुई है, उन शिवेलरी बुक्स की कैदी, ठीक है। वो उन जो इमेजिनेशन है वो बिल्कुल जो स्टोरीज टेल्स हैं, नाइट्स टेल्स, उनके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। हिज मैडनेस इज अ स्टेट ऑफ थ्रॉल टू हर करंट इमेजिन वर्ल्ड, बट इन द कोर्स ऑफ हिज एडवेंचर दैट वर्ल्ड लूजेस इट्स कोहेरेंस, इट इज शेकन बाय इटर्नल इनकंसिस्टेंस बाय द वर्ल्ड कॉम्प्लिकेशंस एंड द कॉन्ट्रडिक्शन। अब जो उसकी इमेजिनेशन वर्ल्ड है, ठीक है, उसकी जो मैडनेस किस तरीके से शो हो रही है, बिकॉज उसके वो एक अपने इमेजिन वर्ल्ड के अंदर रह रहा है, ठीक है। अब वो अपने इमेजिन वर्ल्ड के अंदर उन तमाम इविलनेस को देख रहा है, ठीक है, उन तमाम अनजस्टिस को देख रहा है जो कि उस रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसका जो देखने का व्यू है वो बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो अब जिस वजह से एक लाइफ की जो रिदम चल रही है, तो हमने डॉन कैटे के करेक्टर से देखा कि उस टाइम पीरियड में भी बहुत सारी जो है इविलनेस मौजूद थी, ठीक है। तो अपने एक्शंस के थ्रू उसने वो तमाम चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। व्हेन क्रेटे डिक्लेयर्स ऑन हिज डेथबेड दैट ही इज फाइनली सैन, ही मींस दैट ही इमेजिन्ड वर्ल्ड हैज लॉस्ट इट्स ग्रिप ऑन हिम एंड ही इज लेफ्ट विद शिलिंग ब्लैकनेस दैट कैन नॉट सस्टेन हिम। फिर लेकिन स्टोरी के लास्ट में क्या होता है, जब वो डेथ बेड पे होता है तो उसे पता चल जाता है उसकी जो मैडनेस थी, उसकी जो इमेजिनेशन वर्ल्ड थी, उसकी जो आइडियल वर्ल्ड थी, ड्रीमर वर्ल्ड थी, वो कुछ भी नहीं थी, ठीक है। वो बिल्कुल एक वो अपनी इंसैनिटी के अंदर, मतलब वो बिल्कुल इनसेन था, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही वो डेथ बेड पे आया, उसको पता चल गया है कि वो बिल्कुल एक सिर्फ उसका अपना ख्याल था, ठीक है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस द नेक्स्ट थीम। इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें तो जो उसकी इंटेंशंस होती थी वो बिल्कुल उसके अपोजिट होती थी, ठीक है, उसका जो एक्शंस होते थे। अब अगर हम इंटेंशंस देखें, फॉर कैटे गैप्स बिटवीन एंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस मार्क द फेलियर ऑफ द शिवेलरिक वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जो इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस का जो गैप है वो शिवेलरिक लाइफ के जो फेलियर्स हैं उनको हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ क्योटे, ठीक है। बिकॉज क्योटे की मदद से क्या हो रहा है कि जो फेलियर्स हैं शिवेलरिक लाइफ के वो हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो एक शिवेलरिक पर्सन की तरह वो सोच रहा है, ठीक है, वो अब अपने जो उसकी जो भी थिंग्स हैं वो जिस तरीके से भी सोच रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो एक्शन करके वो तमाम चीज़ें कर रहा है तो फिर वो जो स्टोरीज में लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो रहा है, ठीक है। डॉन कैट इज अ मैन विथ गुड इंटेंशन बट डज मैनी अनरीजनेबल रीजनेबल एक्शन, ठीक है। अब डॉन कैटे को अगर हम देखें तो उसके काफ़ी ज़्यादा जो है गुड इंटेंशंस थी, ठीक है, वो हमेशा अच्छा करना चाहता था, लेकिन क्या होता था उसके जो एक्शंस होते थे वो बिल्कुल अनरीजनेबल होते थे, ठीक है, बिल्कुल बेहुदा होते थे या फिर बिल्कुल ऐसे होते थे जिसका कोई रीज़न ही नहीं होती थी, ठीक है, बिल्कुल उसके ऐसे रिएक्शन होते थे कि वो एक मैड पर्सन लगता था। डॉन कैटेज गुड इंटेंशन डू नॉट जस्टिफाई हिज एक्शन बिकॉज इन हिज हेड द एक्शन आर गुड बट इन रियलिटी दे आर वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब उसके जो आइडियल वर्ल्ड में थी वो उसके एक्शन भी उसको अच्छे लग रहे होते थे, ठीक है, वो क्योंकि वो अपनी आइडियल वर्ल्ड में रहते, लेकिन कोई अगर रियलिस्टिक पर्सन उसको देखे, उसको जज करे, तो बिल्कुल एक पागल इंसान और एक उसका जो एक्शन है वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव नज़र आते हैं, ठीक है, बिकॉज जिस तरीके से वो काम कर रहा है वो उसके इंटेंशंस गुड हैं और फिर वो अपने जो एक्शंस है वो भी उन्हीं को फॉलो करते हुए कर रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ें उसको अपनी आइडियल वर्ल्ड में बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन रियलिस्टिक वर्ल्ड में वो पूरी की पूरी एब्सर्डिटी है, वो कुछ भी नहीं है।
Quixote tries to help others by following the elaborate convention outlined in chivalry novels. तो अब जिस तरीके से शिवेलरी नॉवेल्स में जो नाइट्स का दिखाया गया है कि वो दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो क्योटे भी जो है यही करना चाहता है कि वो विद द हेल्प ऑफ द स्टोरीज उनको फॉलो करते हुए उन लोगों की हेल्प करना चाहता है. बट हिज एफर्ट्स ऑफन बैकफायर. लेकिन क्या होते हैं, उसके जो भी वो एफर्ट करता था, जो भी वो कोशिश करता था, वो वापस पे उसी पे ही बैकफायर हो जाती थी, ठीक है, उसके एक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाते थे. मोस्ट ऑब्वियसली इन दिस एपिसोड विद द शेफर्ड बॉय हु इज बीटन इवन मोर सीवियरली आफ्टर क्योटे इंटरवेंस, ठीक है. अब अगर मैं एक एग्जांपल दिए कि किस तरीके से एक जो शेफर्ड बॉय था वो पिट रहा था, और फिर जब डॉन क्योटे गया उसने उसको मनाया किया कि मैं उसे पे करूंगा और आप फिर से इस बच्चे को नहीं मारेंगे, ठीक है. जब वो वहाँ डॉन क्योटे वहाँ से जाता है तो फार्मर उस बच्चे को और भी ज़्यादा मारता है, ठीक है. तो ये उसका एक्शन बिल्कुल एक चेंज एक्शन आया, ठीक है. उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस निकला वो बिल्कुल चेंज था. इंटेंशन उसकी क्या थी, गुड थी कि उसने बच्चे को सेव किया, लेकिन जो रिजल्ट बट इज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट बिगिंस टू ऑल्टर हिज नेचर, ठीक है. अब जो भी उसकी इंटेंशन होती थी उसके उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते थे वो नेगेटिव जो आते थे, ठीक है, जो उनका रिजल्ट आता था वो नेगेटिव आता था, चेंज होता था, बिल्कुल ऑल्टर होता था, बिल्कुल अपोजिट होता था. तो क्योटे किसको ब्लेम करता था, अनसीन मैजिशियंस को, ठीक है. तो फिर वो अपने रीजनिंग को बेस पे चेंज कर लेता था, ठीक है, कि ये सब चीज़ें जो अगर हो रहा है तो उनकी वजह से हो रहा है, ठीक है. When he observed that appearance can be deceitful, he acknowledged that a person has a responsibility to look past the traps and illusion of appearance to a more solid foundation of truth. ठीक है, अब क्या हुआ, जब उसने ऑब्जर्व किया कि जो अपेरेंस होती है वो कैन बी डिसीटफुल, ठीक है, उससे पता चल गया था कि एक पर्सन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि वो अपने पास में देखे उन पास के अंदर जो भी ट्रैप्स हैं, जो भी इल्यूजन है, उनकी जो रियल फाउंडेशन है, जो ट्रूथ है, उनको पर्सन को देखना चाहिए, ठीक है. He desperate to see that each event is tangled ball of motives and desires, ठीक है. वो उसने जो भी उसका जो एक्शन था, जो भी उसके मोटिव थे, वो बिल्कुल एक दूसरे में उलझ गए, ठीक है. To realize that his chivalry rule book is not adequate guide to the world after all, ठीक है. बिकॉज वो बहुत ज़्यादा असुविधा हो गया था, बहुत गंभीर हो गया था उसको, बिकॉज इन द लास्ट पता चल गया था उसे कुछ उसके जो शिवाली रोल बुक्स हैं वो बिल्कुल एक परफेक्ट गाइड नहीं है जिस वर्ल्ड के अंदर वो रह रहा है, ठीक है. बिकॉज उसको हमेशा जो उसका एंड हो रहा था वो बिछना पड़ रहा था, ठीक है, हमेशा उसको फेलियर्स हो रहे थे, ठीक है. तो आखिर में जो है उसको एक वो एक रियलिस्टिक पर्सन बन गया था, बिकॉज उसको पता चल गया था जो भी स्टोरीज हैं वो अनरियलिस्टिक हैं. The next is self-invention, class identity, and the next thing in my self-invention. स्टोरीज पर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो चुका है उनसे, ठीक है. अब वो एक नाइट बनने जा रहा है तो फिर अपना नेम भी चेंज हो गया, ठीक है. तो ये फर्स्ट स्टेप. And poor aging frail man claims to himself the power to make himself immortal merely by strength of his will. अब क्या है, अब वो जो एक एक ऐसा man जो कि aged person poor frail है वो अपने आप को जो है बिल्कुल अपनी life को change कर रहा है, ठीक है, और अपने beliefs को change कर रहा है, अपनी strength beliefs को change कर रहा है, ठीक है. और because वो अब क्या बनने जा रहा है, वो एक knight बनने जा रहा है, वो एक 50 एज प्लस मेन है,
और लेकिन वो अपने आप को एक यंग मैन समझ रहा है, वो अपने आप को एज पावरफुल एज नाइट समझ रहा है, ठीक है, वो अपने आप को एज ब्रेव एंड कर्जेस देख रहा है, ठीक है। क्लास अगर क्लास इज डिपिक्टेड एज आइडियल लेसन एज एविडेंस बाय द ड्यूक एंड डचेस, ठीक है। अब 17th सेंचुरी के स्पेंस की अगर हम सिचुएशन देखें तो उसमें जो क्लास सिस्टम था, एक क्लास सिस्टम बना हुआ था, ठीक है, जो अपर क्लास थी वो आइडियल क्लास थी, ठीक है, और उसमें क्या होता था, जो ड्यूक एंड डचेस थे उनको एक अपर क्लास थी, उनको बहुत एक आइडियल आइडियल क्लास समझा जाता था, ठीक है, और लेजी बिकॉज़ ऑफ़ काम नहीं करते थे और उनको नॉर्मली ये जो बात है, लेकिन ड्यूक एंड डचेस तो स्टोरी में भी अगर हम देखेंगे तो जो सेम इवेंट है ये ड्यूक एंड डचेस को सेम इसी वे में दिखाया गया, ठीक है। तो सर्वेंटस ने जो है उस क्लास के भी जो है अक्कासी किया उस नॉवल के अंदर, के जो लोग थे वो किस तरीके से उनको डिपिक्ट करते थे, उनकी वैल्यूज को किस वे से देखते थे, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास सिस्टम, ठीक है। सांचो पैंजा इज ऑन द अदर हैंड एंड ऑफ द क्लास स्केल, ठीक है। सांचो पैंजा जो कि दूसरे सिर पे जो क्लास है, क्लास सिस्टम का जो है बिल्कुल आंसर है, बिकॉज़ रीजंस आर क्रिएटेड एज पार्ट पर वेरी लिटिल टू एट द टाइम ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो उसमें रीजन थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर थे, ठीक है, और वो जो स्पेन की जो इकोनॉमी थी वो किस प्लेस पर थी, ठीक है, बिकॉज जो अपर क्लास थी वो तो एक लेजी क्लास थी, ठीक है, वो ऐसे कुछ काम नहीं, ठीक है। तो अगर हम सांचो पैंजा को देखें तो एक ग्रीडी पर्सन दिखाया गया, और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा वो एक लॉयल तो था अपने मास्टर कैटी के साथ, लेकिन वो फिर उस उसके अंदर वो चीज़ें चीजें बट ठीक है। इन जनरल पिज्म एंड द मिडिल क्लास कंपोज एज मच काइंडर एंड मोर गिविंग देन द अपर क्लास, ठीक है। और आंसर पे क्या था कि पिज्म एंड द मिडिल क्लास थी वो बहुत ज्यादा काइंडर थी एज कंपेयर टू द अपर क्लास व्हिच एक्चुअली हैज द मींस टू हेल्प अदर्स, ठीक है, और उनका मकसद कि वो दूसरों की मदद करें। टेरेसा फाउंड द सेव द सेव सेज दैट बीइंग पुअर इज मच बेटर देन बीइंग रिच, ठीक है। टेरेसा पांतर जो क्या कहती है कि जो बीइंग पुअर जो एक गरीब होना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू अमीर, ठीक है, अमीर होने से गरीब होना ज्यादा, बिकॉज व्हेन यू आर पुअर यू अप्रिशिएट एवरीथिंग, ठीक है, जब आप गरीब होते हैं तो आप आपके पास जो भी चीज़ होती है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो एक ये क्लास सिस्टम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। The changes that occurred in Don Quixote's life, अगर हम देखें तो Quixote change himself into what he wishes to be, ठीक है, और जो भी वो बनना चाहता था, जो भी उसके desires थे Don Quixote की, उसने उसको अपने आप को उसमें चेंज कर लिया। He changed the world into what he wish it to be, उसने अपने उस world को भी change कर लिया जो वो चाहता था, ठीक है। कैसे, उसने अपने सिर्फ imaginations में, अपने dream में, वो अपने जो ideal world के अंदर उस world को change कर दिया था, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ही इमेजिन डिफरेंट अपग्रेड डील फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है, अब जो उसकी न्यू इमेजिन वर्ल्ड थी, जो आइडियल वर्ल्ड थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी फ्रॉम द रियलिस्टिक वर्ल्ड थे, ठीक है। एंड अदर कंपेयर्स कंसीडर्ड हिम इनसेंट, और दूसरे लोग उसको क्या समझते थे, इनसेंट पागल बेवकूफ इंसान समझते थे, बिकॉज उसके जो एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल उस जो रियल वर्ल्ड थे उसके बिल्कुल अपोजिट उसके एक्शन होते थे, तो फिर लोग उसको एक बेवकूफ इंसान समझते। बट इज डिफरेंट The sort of insanity that attends every social change, every fight for justice, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते रहे तो ये insanity भी एक बहुत honorable, उसकी हर फाइट किसके लिए थी, जस्टिस लाने के लिए, ठीक है, एक सोशल चेंज लाने के लिए, ठीक है, उस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो भी वो करता था, ठीक है, जो उसकी insanity किस वजह से थी कि वो एक चेंज लेके आ सके, वो उस अनजस्टिस को खत्म कर सके, कोई सिविलनेस को खत्म कर सके, ठीक है, तो उसको जो हर लड़ाई होती थी वो जस्टिस से होती थी।
इन डॉन कैटे वी से दैट बीइंग रिच डजंट नेसेसरीली मेक अ पर्सन गुड, ठीक है, हमने डॉन कैटे के अंदर देखा कि रिच होना जो है इंसान को गुड नहीं बनाता, बट कमिंग फ्रॉम अ नोबल फैमिली डेफिनेटली डज. लेकिन अगर आप एक नोबल फैमिली से, ठीक है, मीन्स आप एक आपके जो वैल्यूज हैं वो नोबल वैल्यूज हैं, ठीक है, आप दूसरों के उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ठीक है, जो कि एक नोबल पर्सन के अंदर होती है, ठीक है, तो फिर देन डेफिनेटली यू आर अ नोबल पर्सन. सर्वांटस इज विलिंग टू क्रिटिसाइज द प्रेजुडाइज ऑफ सोशल क्लास बट ओनली अप टू अ पॉइंट. ही स्टिल सपोर्ट द आइडिया दैट गुड रीडिंग कैन मेक वन पर्सन बेटर देन. ओके, अब सर्वांटस ने इस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया सोशल क्लास सिस्टम को, हर एक को उसके जो क्लास बेस है उस वजह से जज किया जाता था, ठीक है, पर अच्छे इंसान को जो है कौन है जो कि एक अच्छे रिजल्ट से चलता है, ठीक है. ऑनर एंड वर्शु, द नेक्स्ट थीम इज ऑनर एंड वर्शु. अगर हम देखें तो ये नाइट का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो ये अगर देखेंगे तो ये भी डॉन कैटे की लाइफ से कनेक्ट होगा बिकॉज डॉन कैटे वांट टू बी ऑन, ठीक है. तो द आइडिया ऑफ ऑनर एंड वर्शु गो हैंड इन हैंड इन डॉन कैटे. द बेस्ट मैन आर ऑनरेबल द मोस्ट डिजायरेबल वेपन्स वर्शुस इन द 17th सेंचुरी स्पेन वाज वाजंट जस्ट हु यू आर बट हु यू हाउ यू एक्ट इन दैट डिवाइन यू आर, ठीक है. अब जो 17th सेंचुरी स्पेन के टाइम तो उसमें क्या था कि आपको जो ये नहीं देखा जाता था कि आप हैं, ठीक है, बल्कि आप उस तरीके से एक्ट करते थे सोसाइटी के अंदर और आपने तो कोई आपकी जो वैल्यू को शो करता है, ठीक है. तो जो बिल्कुल उसके जो ऑनरेटी ऑनरेबल ऑनर एंड वर्शु किसके थ्रू दिखाया डॉन कैटे के थ्रू दिखाया, ठीक है, और उस टाइम पे ये बिल्कुल भी ये चीज़ें मौजूद नहीं है. शिवालरिक रोमांस स्टोरीज आर द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ ऑनर एंड वर्शु. अगर ऑनर एंड वर्शु को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल किसमें मौजूद होते हैं, शिवालरिक रोमांस के अंदर, ठीक है. Which is why Don Quixote has decided dedicated himself to the protection of both. ठीक है, तो डॉन कैटे ने अपने आप को इस लाइफ को डेडिकेट कर दिया था, ठीक है, वो उसने अपने आप को ऑनर एंड वर्शु के लिए डेडिकेट कर दिया था, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था और उनको अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना चाहता था. अब अगर हम देखें तो स्टोरी के अंदर जो कैटे के जो स्टोरी है उसके अंदर जो डिफरेंट पीपल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट सोशल स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो अगर उनके ओनर को देखें जिस वजह से वो एक कम्युनिटी के अंदर डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल उससे चेंज है जो कि एक रियल ऑनर पर्सन होता है, जो और रियल पर्सन ऑनरेबल पर्सन कौन दिखाया गया स्टोरी के अंदर कौन क्या है. ऑनर इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन अ पर्सन, ठीक है, ऑनर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंसान के मॉरल से भी, ठीक है. डॉन कैटे फील स्ट्रॉन्गली अबाउट मेंटेनिंग हिज ऑनर व्हिच इज व्हाई ही जंप्स इनटू फायर एट द स्लाइटेस्ट कंसर्न, ठीक है, उसको लेकिन, ठीक है, इस वजह से वो अपना ऑनर बरकरार रखना चाहता था और वो हर फाइट के अंदर इन हो जाता था बिकॉज भले उसकी कितनी भी बेइज्जती हो लेकिन फिर भी वो उससे फाइट करता था. बोथ ऑनर एंड वर्शु शुड बी डिफेंडेड एट ऑल कॉस्ट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डॉन कैटे के, उनको जो है हमेशा डिफेंड करना है, ठीक है. फॉर द लैक ऑफ ईदर लोअर सोशल स्टेटस ऑलमोस्ट एज मच एज द एब्सेंस ऑफ द वेल्थ, ठीक है, भले आप कितने जो सोशल स्टेटस में कितने लोअर हों, ठीक है, लेकिन जो आपके पास होना क्या चाहिए, ऑनर एंड वर्शु होना चाहिए, ठीक है, आपको वो कभी भी अपनी लाइफ से खोना नहीं चाहिए. दिस वॉज द पॉइंट ऑफ डॉन कैटे एंड ही dedicate himself for this life. The next theme is love we find in this novel. Ab agar love dekhe is novel ke andar to bilkul ek romantic se bilkul ek strange kind of love dikhaya hai, okay? Love that love that is present in this world, okay? Love is commonly shared in long character particularly it how relates to marriage, okay? In a very story told through part one, love is present to the immediate and all encompassing excuse for bad behavior, okay? Cervantes framed this provision of what it means to be in love on the idea the chivalric romance is
were accepted as well. ठीक है, अब फोर डाउन कहता है जो असल लव था क्या था, वो अगर डाउन नाइट्स की स्टोरी में देखें तो वो अपने लव किसके थ्रू शो करते थे, वो उन फाइट्स पे जाते थे, वो अपने जो है और फिर वो अपने करेज से थ्रू, अपने ब्रेवरी के थ्रू वो जो भी उनके जो फाइट्स होती थी उनसे वो जीत कर आते थे. ठीक है, और फिर ये उनके लिए एक ये अपनी डेडिकेशन थी उनकी लाइफ की. ठीक है, तो शिवेलरिक रोमांसेस को भी जो है डॉन कैटन ने एक्सेप्ट किया गया. ठीक है, फॉर यंगर मैन इन पर्टिकुलर लव इज रियली नथिंग मोर देन द डिजायर एंड वांट बेटर देन डिलाइट. ठीक है, अब जो एक पर्टिकुलर मैन है वो एक लव उसके लिए क्या है, डिजायर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है. वो जो चाहता है कि वो उससे ज़्यादा करके कुछ भी नहीं है. Yet after desire is suited, जब तक desire उसकी complete हो जाएगी, then the love mysteriously disappears. तो love क्या होगा, mysteriously disappear हो जाएगा. That because in most of his character becomes lost for love. ठीक है, और इसी वजह से जो बहुत सारे कुछ होते हैं जो characters हैं उनको confused होते हैं lost for love. ठीक है, means वो ये असल में desire है. ठीक है, Cervantes in general is an immense जो कैरेक्टर जो वो जब उसको एक स्टोरी में कैरेक्टर दिखाया गया कार्डिन जो कि क्रेजी हो जाता है बिकॉज उसके जो 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 उसके लवर थे वो उसको नहीं मिलते. और मार्सिला जो थी उसको भी वो वैक्सीनेशन उसको नहीं कर पाया. ठीक है, तो फिर वो उस औरत के लिए अपने को एक क्रेजी लाइफ स्पेंड कर रहा था. ठीक है, यट सर्वांटस डजंट बिलीव इन द वैल्यू ऑफ अ गुड पेयरिंग. Yet Cervantes does believe the value of a good pairing for the marriage of two lovers was the best of all possible things. ठीक है, लेकिन वो एक good pairing पे भी बिलीव रखते हैं और उन्होंने ये नॉवल के अंदर भी दिखाया जब डुलसेना एंड फर्नांडो आपस में जब मैरिड भले वो कितने ही अलग हो गए थे. ठीक है, और लेकिन लास्ट में क्या हुआ था कि वो वापस से जुड़ गए थे. ठीक है, वो दोबारा से शादी की थी और फिर वो उन्होंने अपने टू लव को रिप्रेजेंट. So this is the video for the themes in the novel in Don Quixote. ठीक है, अगर अगर आपको इसका